हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाइव स्ट्रीम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मैं खबर लेकर के आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आगामी आने वाले दिनों 52 दिनों में जो आपको 6543 वैकेंसी पर भर्ती होने जा रही है, जो सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए है मित्रों। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, आम चुनाव 23 मई को संपन्न हो चुका, काउंटिंग हो चुकी है, नई सरकार का गठन भी बहुत जल्द हो जाएगा। आचार संहिता के बारे में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो है 27 तारीख को आचार संहिता भी जो संबंध में एक बैठक होगी और 28-29 तक जो है आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि जैसे ही आप लोगों को भी पता होगा कि चुनाव की प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, आचार संहिता खत्म हो जाएंगी, आयोग काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी रिजल्ट देने को तैयारी में है, नई वैकेंसी की तैयारी में है। तो उन्हीं में से एक खबर प्राप्त हुई कि 6543 वैकेंसियों पर भर्ती होने जा रही है UP SSC में। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और हम आपको बताएंगे कि किन किन पदों पर ये कब कब वैकेंसी आने की संभावनाएँ हैं। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन जो संभावित है वो आप तक पहुँचाना जरूरी था मित्रों। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, राहुल वाई फाई स्टडी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लेता हूं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले चाहूंगा चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर खबर जो UP SSC के संबंध में सबसे पहले आपको राहुल वाई फाई स्टडी चैनल के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिक खबर प्राप्त हो सके। तो चलिए लेते हैं पूरी खबर बारी बारी से, देखते हैं आखिरकार कौन कौन सी वैकेंसी है जो कब कब आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों 1000 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के संबंध में। 1000 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, जो आपकी ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, जो लिपिकीय वर्ग की आने वाली है, जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपरों में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले इसी वैकेंसी के संबंध में हम बात कर लेते हैं। जैसा मैं आपको सबूत भी दिखा दे रहा हूँ जो न्यूज़पेपरों में भी था, और न्यूज़पेपरों में भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं, सही खबर थी, देख सकते हैं आप। कनिष्ठ आय के 1000 पदों पर भर्ती जल्द, कुल 1400 भर्ती होनी थी, उसमें बोरिंग टेक्नीशियन के भी हैं और 1000 पद आपके कनिष्ठ सहायक हैं। तो मैं 1000 जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आने वाली, जिसमें SSC और 12th पास आपके लिए होना जरूरी होगा मित्रों, तो इसके लिए जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है, तो ये जो बड़ी खबर प्राप्त, आपकी 1000 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी जो वैकेंसी है फर्स्ट वीक ऑफ जून, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा मित्रों। ये बड़ी खबर प्राप्त हो रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट इसका जारी कर दिया जाएगा UP SSC के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो टेक्निकल कहा जाए कि जो कंप्यूटर की डिग्री मांगी जाती है SSC, वो इसमें कंपलसरी होगा, आपको 12th पास होना जरूरी होगा मित्रों। तो ये बड़ी वैकेंसी एक 1000 पोस्ट के लिए जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ये जारी हो जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के संबंध में, आखिरकार दूसरी वैकेंसी कौन सी जारी की जाएगी, ये आपके मन में संशय होगा और जानने की भी उत्सुकता होगी। तो उन चलते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं मित्रों, दूसरी वैकेंसी कौन सी आने वाली है आपकी। तो दूसरी वैकेंसी जो आपके आने वाली है मित्रों, वो है कौन सी, बोरिंग टेक्नीशियन की। तो ये जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आपके स्क्रीन पर होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे। तो बोरिंग टेक्नीशियन 486 पोस्ट पे आपकी बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी होनी है। ये वैकेंसी आखिरकार कब आने वाली है, तो जो आपकी बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, किस पद की पोस्ट की, बोरिंग टेक्नीशियन की, है ना, इसमें आपकी ITI हो सकता है मांग की जाए। अभी इसके सिलेबस के, सॉरी, इसके अभी क्वालिफिकेशन के बारे में हम कुछ आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो बोरिंग टेक्नीशियन की आने वाली है, इसमें लगभग एक टेक्निकल टाइप की वैकेंसी है, आप जान ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, और 486 पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको आने वाली है बोरिंग टेक्नीशियन की। तो ये वैकेंसी जो आपकी है वो 15 से 20 जून के बीच में इसका एडवर्टाइजमेंट जारी होने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है, जैसी खबर प्राप्त हो रही है UP SSC से। तो ये दूसरी वैकेंसी हो गई आपकी 486 पोस्ट के लिए बोरिंग टेक्नीशियन के लिए, है ना। आप अंत तक इस वीडियो को मित्रों देखिए, मैं बड़ी ही तत्परता के साथ ये खबर आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपको जानने की भी उत्सुकता होगी कौन कौन सी कब वैकेंसी आई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरी खबर ये तैयार की है रिपोर्ट, कि कौन कौन वैकेंसी कब आने वाली है, कितने कितने पोस्टों के लिए। तो ये आपकी दूसरी वैकेंसी हो गई 486 पोस्ट बोरिंग टेक्नीशियन की। अब बात करते हैं तीसरी वैकेंसी के संबंध में, आखिरकार तीसरी वैकेंसी कौन से आने वाली है। अब तीसरी वैकेंसी जो आपके आने वाली है वन रक्षक की, ये बड़ी खबर है, वन रक्षक। और चौथी वैकेंसी जो आपकी है वन्य जीव रक्षक पद। तो ये जो बड़ी वैकेंसियाँ हैं, वन
वन्य जीव रक्षक पद और वन रक्षक पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है उसके संबंध में बात कर लेते हैं हम लोग। वन रक्षक का मित्रों जो आपका आने वाला है वो 596 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है। किसके 596 पोस्ट? फॉरेस्ट गार्ड की। किसकी? फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है, नई वैकेंसी है ये आपकी। 2019 में विज्ञापन आपको मिलेगा 596 पोस्ट के लिए। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं 12th पास होता है। अभी विद्यार्थी हमारे एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू भी समाप्त हुआ है, जो 2016 की शायद वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट के संबंध में आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो वो भी जारी किया जाएगा। खैर हम आज रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों। तो 596 पोस्ट के लिए आपकी फॉरेस्ट गार्ड की नई वैकेंसी आने वाली है। अब ये आपके दिमाग में चल रहा है इसका विज्ञापन कब तक आने की चांसेस है, तो इसका जो विज्ञापन आने के चांसेस है मित्रों, इसका विज्ञापन 7 में 655 पोस्ट के लिए जो आपकी है वन्य जीव रक्षक पद के लिए, वन्य जीव रक्षक पद के लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली है 596 आपका हो गया फॉरेस्ट गार्ड के लिए, है ना, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और 655 पोस्ट जो हो गया वो वन्य जीव रक्षक पद के लिए। तो ये दोनों वैकेंसियाँ जब आएंगी तो साथ में आएंगी, तो लगभग 1200 पोस्ट की ये वैकेंसियाँ होंगी, 1250 पोस्ट के लिए। ये साथ में आपको लास्ट वीक ऑफ जो सॉरी हाँ लास्ट वीक आप जून में देखने को ये वैकेंसी आपको मिल सकती है लगभग 1250 पोस्ट के लिए, फॉरेस्ट गार्ड और वन्य जीव रक्षक पद के लिए। तो 1250 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आने वाली है लास्ट वीक आप जून में, जो संभावनाएं जताई जा रही है UP SSC के द्वारा जो खबर प्राप्त हुई है। अब बात कर लेते हैं हम साथ में पाँचवीं वैकेंसी के संबंध में, अगर वो पाँचवीं वैकेंसी कौन है, किस पोस्ट के लिए है, तो उसके संबंध में चलते बात कर लेते हैं। बाकी का पाँचवीं वैकेंसी कौन है, सॉरी हाँ पाँचवीं वैकेंसी कौन सी है, तो पांचवी वैकेंसी मित्रों जो है ये देख सकते हैं विज्ञापन नंबर 7 ये होगा आपका, यहाँ से खबर देख सकते हैं जो लिस्ट जो बनी थी इंटरनल जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था, ये देख सकते हैं विज्ञापन नंबर 5 तो आपका होगा ये 2019 बोरिंग टेक्नीशियन का, विज्ञापन नंबर 4 जैसा कि हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश कनिष्ठ, और विज्ञापन नंबर 6 जो आपका होगा मैंने बताया कि वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक पद के लिए। अब सातवीं वैकेंसी जो आपकी होगी वो भी जून लास्ट तक ही जारी की जाएगी या फिर 3 से 4 जुलाई के बीच तक जारी की जाएगी, वो बाल विकास के रिक्त पद आप देख सकते हैं 806 पोस्ट के लिए। ये बड़ी वैकेंसी आपके लिए कि 806 पोस्ट के लिए नया विज्ञापन आपको 3 से 4 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर है कि 806 पद के लिए आपका जो है बाल विकास विभाग में ये रिक्त पद है जो उसके लिए वैकेंसी आएगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी इसके संबंध में हम नहीं बता सकते, सिलेबस क्या होगा इसके संबंध में भी आपको अभी जानकारी नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के संबंध में, आखिरकार अगली वैकेंसी कौन है जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है आपके स्क्रीन पर, उसके संबंध में हम बात करते हैं जो आपको 10 जुलाई के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है, यानी 10 से 15 जुलाई के बीच में आपको देखने को ये मिल सकता है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी होगी इधर आपकी 2019 की। तो चलते हैं उसके संबंध में बात कर लेते हैं हम लोग, जो आपको पता भी होगा जो आप न्यूज़ पेपरों में पढ़े होंगे उसी के बेस पर हम इसको खबर में आपको देंगे। अब ये बड़ी खबर है जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ पेपरों में भी पढ़ा होगा कि निकायों में जल्द होगी समूह गा के खाली पदों पर भर्ती, तो 3000 से अधिक पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है मित्रों। अभी इसमें कौन कौन से पोस्ट होंगे हमने आपको बताया भी था, देते हैं लेखाकार का होगा, जूनियर असिस्टेंट का होगा, ड्राफ्ट मैन का होगा, प्रभारी प्रकाश निरीक्षक का होगा, टैक्स कलेक्टर का होगा, आंसू लिपिक का होगा, टाइम कीपर का होगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, कंपाउंडर, लेखाकार, अध्यापिका, तो तमाम प्रकार की वैकेंसियाँ हैं और जो 3000 से अधिक पोस्ट के लिए आने वाली हैं। तो सबसे बड़ी जो वैकेंसी है आपको ये 10 से 15 जुलाई के बीच में देखने को मिल सकती है 2019 की, जो सबसे बड़ी वैकेंसी होगी UP SSC की। जैसा कि ये वैकेंसी आपको चुनाव के पहले ही आना था मित्रों, लेकिन आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के कारण इस वैकेंसी के संबंध में जो भी प्रक्रियाएँ थी वो थोड़ी स्लो पड़ गई थी, लेकिन जैसे ही नई सरकार आचार संहिता खत्म हुई इस वैकेंसी के संबंध में प्रक्रियाओं को जारी कर दिया जाएगा। इसके संबंध जैसा कि आप लोग जानते हैं नगर विकास मंत्री जो हमारे जो माननीय सुरेश खन्ना जी हैं इसके संबंध में जो काफ़ी वो मुख्यमंत्री जी से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी इसके संबंध में बात कर ली है और इसके संबंध में जल्द से जल्द जो है सभी विभागों से कहा गया है कि आप अपना जो है भी प्रस्ताव है वो UP SSC को भेज दें, और UP SSC के बाद जैसे इसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी और प्रस्ताव मिल जाएगा वो इसके संबंध में असूचना एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी जाएगी। तो ये जो बड़ी वैकेंसी है सबसे बड़ी वैकेंसी होगी आपकी 3000 पोस्ट के लिए ये आने वाली है निकायों में, तो ये निकायों के लिए भर्ती होगी मित्रों, ये बड़ी खबर थी। तो यानी 6543 पोस्ट के लिए हमने पूरी वैकेंसी के संबंध में आपको जानकारी दे दी है वन बाई वन।
तो ये बड़ी खबर है कि यानी ये मैं आपको 15 जुलाई के अंदर अंदर 6543 पोस्ट के जो भी वैकेंसी हमने आपको बताई है ये जारी कर दिया जाएगा विज्ञापन, जो बड़ी खबर प्राप्त हुई है यूपी ट्रिपल एस से मित्रों। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, अगर आप इस साल में नौकरी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि 6543 पोस्ट पर जो वैकेंसी आने वाली हैं इसमें आप कहीं ना कहीं अपना एक पोस्ट जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों, ये यूपी ट्रिपल एस सी थी, हमने पूरे सबूत के साथ आपको खबर दिखाई है, कहीं किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है मित्रों। ये खबर हम आपके लिए एक एक जगह से एकत्रित करके लाते हैं मित्रों, तो इसलिए आप इसको लाइक करना बनता है मित्रों, आप लाइक जरूर करिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर के एक वीडियो तैयार होता है, सभी खबर एक जगह से एक एक जगह से कलेक्ट करके आपके समक्ष पूरा जो है कलेक्ट करके आपके एक वीडियो में समायोजित करते हैं, तब जाकर के आपके समक्ष ये वीडियो पूरा पूरा आपके पास राहुल वाईफाई हिस्ट्री चैनल के माध्यम से पहुंच पाता है। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों, आप तक पहुंचाई गई, तो प्लीज़ आप इसको और लाइक करिए ताकि हम और भी जो महत्वपूर्ण खबरें हों यूपी ट्रिपल एससी के वो आप तक लाने की पूरी पूरी कोशिश करें और आप तक पहुँचाएँ जरूर राहुल वाईफाई हिस्ट्री चैनल के माध्यम से। ये पूरी खबर थी मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए, तो हमें और भी कोई खबर प्राप्त होती है यूपी ट्रिपल एससी से तो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।